हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग ने लावारिस छोड़े गए गौ वंश को आश्रय देने के लिए मुहिम तेज कर दी है। अधिक से अधिक गौशाला बने इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग से पंजीकृत गौशालाओं को रूपए 500 प्रति पशु मासिक धनराशि आयोग की ओर से दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने रामपुर के गौशालाओं का दौरा कर रामपुर नगर परिषद की गौशाला व नोगली गीता महिमा गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग में 14,400 से अधिक पशु 168 गौशालाओं में पंजीकृत हैं। उन गौशालाओं को 70 लाख से अधिक धनराशि हर महीने में दी जा रही है। अभी भी 16,000 से अधिक गौवंश सड़कों में हैं। इन पशुओं को गौशाला में संरक्षण देने के लिए प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पहली बार ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे पशुओं को सड़कों पर छोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। उसमें 6 महीने की सजा व 5,000 जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अशोक शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कुल 182 गौशालाएं बन गई हैं। आयोग बनने से पहले 148 गौशालाएं थी। इनसे 168 के करीब आयोग के पास पंजीकृत हैं। इस समय हमारे पास 14,400 गोवंश जो है वो गौशालाओं में है जो रजिस्टर्ड है, तो वो 70 लाख रुपए से ऊपर पैसे बनते हैं जो हर महीने गौशालाओं को दिया जाएगा, और 16,000 के करीब गौवंश हमारा सड़कों पे है। उनमें से जो गौवंश जितना भी गौ सेंचुरियों में अंदर किया जाएगा उनको सबको टैगिंग की जाएगी ताकि दोबारा वो बाहर सड़क पे ना आ सके। लोगों के घरों में भी टैगिंग की जा रही है, करीब करीब 50% टैगिंग हो चुकी है और बाकी 50% बचता है वो भी टैगिंग हो जाएगी बहुत जल्दी, ताकि लोग सड़कों पे ना छोड़ें। और जो लोग सड़कों पे छोड़ रहे हैं या छोड़ेंगे उनके लिए सरकार कड़ा कानून बना रही है कि 6 महीने की सजा और 5,000 रुपया जुर्माना ये निर्धारित किया जाएगा बहुत जल्दी, ताकि लोग सड़कों पे गौवंश को ना छोड़ें। अच्छी बात पूछी आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कम समय, कम तो नहीं बोल सकता मैं उसको, लेकिन सीमित समय दे दिया है कि ये जो प्रदेश में जितना गौवंश सड़कों में घूम रहा है इनको कहीं ना कहीं आश्रय स्थल में पहुंचाना है। तो उसमें हमारा एक गौ सेंचुरी चालू हो गई है, उसको गौ सेंचुरी बोलो या बड़ी गौशाला बोलो, कोटला बड़ो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, उसमें करीब 350 गौवंश रख दिया गया है। 1 महीने तक एक गौ सेंचुरी और तैयार हो जाएगी हांडाकुंडी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, एक गौ सेंचुरी तैयार हो जाएगी आने वाले 1 महीने में हमीरपुर खैरी में, करीब करीब 1,000 गौवंश वहां भी रखा जाएगा। एक थाना खास थाना कलान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गांव भी है वहां पे चालू कर दी गई है गौ सेंचुरी, वहां पे भी करीब 300 गौवंश रख दिया गया है। ऐसी ऐसी 7 गौ सेंचुरियां और बड़ी बन रही हैं जिनके टेंडर हो चुके हैं, किसी के हो रहे हैं, तो वो बहुत कम समय में, जल्दी आने वाले समय में वो तैयार करके जितना भी हो सके गौवंश वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ हमारे को 2 जिला में, एक शिमला और मंडी, इन 2 जिला में सरकारी जमीन उपलब्ध ना होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फॉरेस्ट लैंड है तो FCA में केस भेजे हैं, कब तक वो वापिस आ जाते हैं, तो बहुत जल्दी ही वहां भी काम शुरू कर दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं।